ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। अभी परसों ही मैंने एक मोहिनी मंत्र जो है वो आपको दिया था। तो काफ़ी सारे जो मेरे साधक हैं, जो मेरे श्रोतागण हैं, वो चाहते हैं कि उसकी विधि को विस्तार पूर्वक बताया जाए। तो जो मंत्र मैंने आपको दिया है वो लाखों साल के तप के बाद प्राप्त हुआ है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस मंत्र को प्राप्त करने के लिए अथाह प्रयास किए हैं और ये इतना चमत्कारी मंत्र है कि यदि एक बार किसी पर लग जाए तो जन्म जन्मांतर तक सामने वाला जो है वो आपके यहाँ पानी भरेगा। मंत्र बड़ा ही सरल है। आपने ऑडियो सुना होगा, जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें आपने मोहिनी मंत्र के उस मंत्र को सुना है, जो कि अत्यधिक प्रभावी है, जो कि समय से बंधा हुआ नहीं है। यदि आप एक बार भी इसको कर देते हैं तो भी अपना काम शुरू कर देता है। बहुत से लोग आते हैं, बहुत सी कमेंट्स ऐसी प्राप्त होते हैं जिनमें कि एक ऐसा सुलभ मोहिनी मंत्र पूछा जाता है जो कि देखते ही देखते बिगड़े काम जो है वो बना दे। तो वो मंत्र मैंने आपको दिया है, उसको सुनने मात्र से आपके जितने भी दुखड़े हैं वो दूर हो सकते हैं। यदि आप 21 दिनों तक सिर्फ उसको सुनते हो और सुनने के बाद यदि किसी भी इच्छित स्त्री को कुछ भी खाने के लिए देते हैं वो मंत्र 7 बार बोलकर, तो सामने वाला जो है वो आप पर मोहित हो जाएगा, आप पर लट्टू हो जाएगा, उसे दिन रात बस आप ही के स्वप्न आएंगे। एक ऐसा प्रभावी मोहिनी मंत्र जिसकी कोई तुलना नहीं है। किसी मंत्र को मैं इस मंत्र के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि 21 दिनों की साधना में ये सिद्ध हो जाता है। गुरु गोरखनाथ का मंत्र है जो कि देखते ही देखते चमत्कार कर देता है। मेरे लाखों जो क्लाइंट्स हैं वो इससे लाभान्वित हुए हैं और अभी गिनती चल ही रही है, क्योंकि अब जब इसको मैं पब्लिक डोमेन में डाल दूंगा तो इसकी संख्या जो है वो बढ़ने वाली है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि किसी को अपने ऊपर लट्टू करना, मोहित करना, तो इस मंत्र का प्रयोग भली भांति कर सकते हैं। तो एक साधक जो है वो इस मंत्र को किस तरह से सिद्ध करे, इसकी क्या सावधानियां हैं, वो सब मैं आज आपको बताऊंगा। तो सर्वप्रथम पहले नंबर पर आता है कि जो स्वच्छता है उसका ध्यान रखा जाए। सुबह आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, इस समय पर जो प्रकृति है वो आपकी जितनी भी कामनाएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए तत्पर रहती है। इसके बाद जो है यदि आप उठते हैं तो ये जो मंत्र है ये काम नहीं करेगा। आपको 21 दिनों तक, यदि आप नहीं उठ पाते तो 21 दिनों तक कम से कम सुबह उठिए जितना जल्दी हो उसके, और उसके बाद इस मंत्र का गुम्फन शुरू कीजिए। कोई एकांत स्थान ढूंढिए, कोई गुफा ढूंढिए, कोई वन प्रदेश ढूंढिए, जहाँ पर कि आप इस मंत्र का 108 की संख्या में एक माला, दो माला, यथासंभव जितनी आप कर सकें उतनी मालाओं का जो है आपको जाप करना है। और मंत्र जो है इतना प्रभावी है कि पहले ही दिन से आपको असर दिखाना शुरू कर देगा। यदि आप आज करते हैं शुरू तो आपको कल इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। आपको बस करना इतना है कि सात्विक रहना है, किसी भी तरह का मादक पदार्थ जैसे बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, इन सब से दूर रहकर इस मंत्र को कीजिएगा, क्योंकि स्वच्छता में ही देवताओं का वास होता है। यदि आप स्वच्छ नहीं हैं, आपके तन में से दुर्गंध आ रही है, तो भूल जाइए कि आप देवताओं को प्रसन्न कर पाएंगे। कोई ऐसा इत्र ढूंढिए, कुछ ऐसा
प्रयोग कीजिए जिससे कि देवता जो हैं वो भी आपसे रीत जाए। आपका अधिक समय ना लेते हुए मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको ना मिले तो आप मेरा पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें आपको उसकी ऑडियो क्लिप मिल जाएगी। मंत्र है, ओम नमो गुरु का आदेश। पीर में नाथ, प्रीत में माथ, जिसे खिलाऊं तिसे मोहूं, फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। बहुत ही सरल मंत्र है और मंत्र ही अपने आप में सब कुछ कह रहा है। एक बार फिर से, क्योंकि कईयों का कहना होता है कि मैं बहुत जल्दी मंत्र बोलता हूं, तो आप धीरे सुन लीजिएगा। ओम नमो गुरु का आदेश। पीर में नाथ, प्रीत में माथ, जिसे खिलाऊं तिसे मोहूं, फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। अर्थात इस मंत्र से अभिमंत्रित किया हुआ यदि कोई भी खाद्य पदार्थ किसी को भी आप दे देते हैं, वो खा लेता है, तो समझिए जन्म जन्मांतर तक वो बस आप ही खा होकर रह जाएगा। अब जान लेते हैं इसकी प्रयोग विधि क्या है, इसको किस तरह से प्रयोग में लाया जाता है। तो कोई भी ऐसा स्थान ढूंढिएगा जहाँ पर, जैसे आप किसी डेट पर जा रहे हों या फिर कुछ भी ऐसा हो जब आप किसी को कुछ खिला सकें, उस समय पर आपको इस मंत्र का 7 बार गुंफन कर देना है उस खाने के ऊपर। चाहे वो पानी हो, चाहे खाना हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे कुछ भी हो, यदि उस चीज़ को खाया जा सकता है तो उस पर ये मंत्र अभिमंत्रित किया जा सकता है। कोई भी खाने की चीज़ हो उस पर, पीने की चीज़ हो, खाने की चीज़ हो, उस पर आप इस मंत्र को अभिमंत्रित कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल उसके सामने ही आप मंत्र पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं छुपा कर की जाती हैं। और इस मंत्र को 7 बार बस किसी भी खाने पीने की चीज़ पर अभिमंत्रित करके अपने साथी को दे दीजिए। इससे होगा ये कि जो भी इसको खाएगा वो बस आप ही के सुर में सुर मिलाएगा। यदि आपने कह दिया दिन को रात, तो वो रात कहेंगे। आपने जो कह दिया वो सर्वोपरि होगा। और इस तरह का अचूक मंत्र अब तक मेरे पास नहीं था, लेकिन कुछ भगवत कृपा हुई और इस मंत्र की प्राप्ति हुई, तो आज मैं आपको ये मंत्र दे रहा हूँ। और इसका कतई किसी का अनिष्ट करने के लिए प्रयोग में ना लाए। यदि किसी स्त्री ने, किसी पुरुष ने आपकी रातों की नींदें उड़ा रखी हों, यदि वास्तव में आप किसी के बिना, किसी के साथ के बिना अकेलापन महसूस कर रहे हों और सामने वाला बस आपकी ज़िंदगी बन गया हो, उस समय पर ये जो मंत्र है ये करामाती रूप से ऐसा जादू दिखाएगा कि आप मेरा नाम जो है वो लेते फिरेंगे। इस मंत्र से लाखों के घर बसे हैं। आज तक मैंने इसको पब्लिक डोमेन में नहीं दिया था क्योंकि इसका दुरुपयोग संभव था, लेकिन आज मैं आपको ये दे रहा हूँ इस आशा के साथ कि जो भी इसे प्रयोग में लाएगा वो किसी का अनिष्ट नहीं करेगा। क्योंकि जो शक्तियाँ आपका काम बना सकती हैं वो आपका काम बिगाड़ भी सकती हैं। तो निश्चिंत होकर बिल्कुल स्वच्छ मन से, स्वच्छ हृदय से किसी प्रेमी को, किसी साथी को अपने जीवन में लाने के लिए इस मंत्र का प्रयोग करें। किसी का अनिष्ट करने के लिए, किसी का बुरा करने के लिए इन शक्तियों का दुरुपयोग ना करें। और जो भी लोग शराब, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, ये सब इनका सेवन करते हैं, वो इस प्रयोग को ना कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। गुरु गोरखनाथ का सिद्ध मंत्र है जो कि कभी खाली नहीं जाता। और आपको मैं ये बता दूं कि ये जो मंत्र है ये भगवत के जो शब्द होते हैं, जो भगवान की वाणी होती है, यूँ समझिए कि ये वही है। यदि इस मंत्र को 21 दिनों तक यथासंभव जपा जाए, सुना जाए, तो ये सिद्ध हो जाता है और साधक की कामनाओं को पूर्ण करना शुरू कर देता है। सिर्फ ये नहीं कि आप इससे किसी को आकर्षित कर सकते हैं, बल्कि जो भी आपकी कामनाएं हैं, जो भी आपके भीतर चल रहा होता है, जो भी आप सोच रहे होते हैं कि आपको
ये चाहिए, आपको गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, कोई अनुष्ठान करना है, कोई मंदिर बनाना है, कोई स्कूल बनाना है, तो उस तरह की जितनी भी आपकी कामनाएं होती हैं उनको भी फलित करने में ये कारगर है। इससे गुरु गोरखनाथ की आप पर कृपा बनी रहती है और आपके जो काज हैं वो बनते चले जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 999-284-1625। यदि कुछ और पूछना हो, बहुत सारे मंत्र हैं, यदि किसी भी मंत्र के बारे में कुछ पूछना हो तो मुझे मेल कीजिएगा info@mohiniwidya.com पर। धन्यवाद।